संबोधित करने का कार्यक्रम है। यहाँ पर रोड शो चल रहा है प्रधानमंत्री का, आप देख सकते हैं जो हुजूम है पश्चिम बंगाल का वो प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए अभिभूत और तैयार। आज हमने देखा कि किस तरह से लोकहित और जनहित से जुड़ी तमाम योजनाओं का लोकार्पण किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, और ये जो जन सैलाब है इस बात का परिचायक है कि प्रधानमंत्री के आने से अभिभूत है पश्चिम बंगाल की जनता। प्रधानमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, और इसके साथ साथ एक बड़ी संख्या में लोग हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैदान नहीं है, जितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, तो लोग सड़कों के आसपास बड़ी बड़ी जो स्क्रीन है वो लगी हुई है प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए, इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री सुने। और आपने देखा भी है कि जब सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, और कई बातें ऐसी हैं जो वो लोगों से उन्हीं के बीच में जाकर कहना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि हजारों करोड़ की परियोजनाएं तो शुरू हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल में लोगों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, इस तरह से जो पुलिस प्रशासन के नीरज हम इसको उस तरह से भी देख सकते हैं कि अभी तो जनसभा से पहले रोड शो चल रहा है, एक विश्वास, एक हम कह सकते हैं आत्मिक भाव जो वहाँ की जनता के मन में और आंखों में नजर आ रहा है कि कोई यहाँ आया है जो एक रोशनी के साथ है, जिसमें आर्थिक प्रगति तो है ही, साथ ही साथ लोगों का ख्याल रखने की जो जवाबदेही है वो सुनिश्चित हो पाएगी, ये एक विश्वास इनकी आंखों में नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल यहाँ के लोगों की आंखों में वो विश्वास नजर आ रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में विकास हो रहा है, जिस तरीके से लोगों के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं देश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री पहुंचा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था कि देश की आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल आप देखें कि रेलवे नेटवर्क के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन उतना ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं हुआ, और जो काम किया जाना बहुत जरूरी था। इसके साथ साथ ही बेसिक सुविधाएं देखें, मैं आपको बता दूं आचल
कि अभी भी आप अगर कोलकाता से बाहर निकल जाते हैं तो हर इलाके में रोड कनेक्टिविटी की जो स्थिति है, खासतौर से स्टेट हाईवे हैं या गांव देहातों में जो सड़कें हैं, वो उतनी बेहतर नहीं है। लोगों को तेज कनेक्टिविटी की जरूरत है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, और यही विश्वास लोगों के जो चेहरे उस पर दिखाई दे रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ जो लोग हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सभा स्थल पर पहुंचे, हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए सभा स्थल पर पहुंच रही हैं। उन महिलाओं को ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से महिलाओं को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, उसी तरीके काम लगातार आगे होते रहने चाहिए। पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं वो यहाँ की सरकार से काफी परेशान है, कई तरह के अत्याचार उन महिलाओं पर हुए हैं। आपने देखा भी होगा, संदेश स्थली की बात करें या दूसरे इलाकों की बात करें, तो उनको ये भरोसा है कि प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि जो भी अपराधी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी करप्शन का कार्य करेगा उसके खिलाफ सख्त, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह का संदेश कई बार प्रधानमंत्री कई मंचों से दे चुके हैं, ये भाव भी जनता वहां समझ रही है। और खासतौर पर अगर कृष्णानगर की बात की जाए, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद है नीरज, तो ये पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों में आता है जो अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। जिस तरह से ये जलांगी नदी के किनारे बसा हुआ है, सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ औद्योगिक तौर पर अगर आर्थिक प्रगति भी जुड़ जाए तो चार चांद लग जाएंगे कृष्णानगर में। ठीक है, बिल्कुल, और यही कारण है, आपने देखा होगा कि 15,000 करोड़ की जो परियोजना है जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है, उसका लाभ भी यहाँ के लोगों को मिलेगा, कृष्णानगर को भी उसका लाभ मिलेगा। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी अगर बेहतर होगी तो विकास की तमाम जो संभावनाएं हैं उनके द्वार भी यहाँ पर खुलेंगे और उसका फायदा यहाँ के लोगों को होगा, महिलाओं में जो विश्वास। और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं मंच पर कृष्णनगर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय दौरा, आज दौरे का अंतिम दिन, यहाँ जनसभा से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। রাজ্য সভাপতি সেই ছবি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে বরণ করবেন। শ্রী রাম মন্দিরের একটি মিনিয়েচার স্ট্রাকচার দিয়ে আমাদের কার্যকর্তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে, আমাদের বিরোধী দলনেতা এবং রাজ্য সভাপতি সহ শ্রী রাম মন্দিরের একটি সোলার কাজ করা মূর্তি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীজিকে বরণ করবেন। কৃষ্ণনগরের মাটি থেকে, প্রভু শ্রী চৈতন্যের মাটি থেকে
একটি মালা দিয়ে আমরা সমস্ত নেতৃত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে বরণ করে নেবেন। আমি সমস্ত মঞ্চের নেতৃত্বকে অনুরোধ করছি একটি সুবিশাল মালা দিয়ে, স্থানীয় ফুল থেকে তৈরি এই মালা দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে বরণ করে নেওয়ার জন্য সমস্ত নেতৃত্বকে অনুরোধ করছি। একবার জোরদার করতালির সঙ্গে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে কৃষ্ণনগর স্বাগত করু। জোরদার করতালি দিয়ে মায়েরা উলুধ্বনি করুন, আর বাকি সবাই একবার জোরদার করতালি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীজিকে কৃষ্ণনগর মাটিতে স্বাগত জানানো হলো। আমি প্রদেশ সভাপতি, আমাদের সকলের প্রিয় বালুরঘাটের লোকপ্রিয় সাংসদ ডক্টর সুকান্ত মজুমদারকে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভারত মাতা কি, ওইদিকের ব্লকের সো এখনো হাত দেখা যাচ্ছে না, দু হাত তুলে আমার সাথে বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদি, নরেন্দ্র মোদি, নরেন্দ্র মোদি, জেপি নাড্ডা, জেপি নাড্ডা, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। আজকে এই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্যভূমিতে আমরা এখানে এসেছি এবং আমরা সৌভাগ্যবান যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে, যিনি বিকশিত ভারতের ভগীরথ হয়ে কাজ করছেন, তিনি আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জোরে হাততালি দিয়ে একবার সবাই স্বাগত জানাবেন, আশীর্বাদ জানাবেন, মায়েরা উলুধ্বনি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গল কামনা করবেন। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আছেন সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, ওনাকেও জোরে হাততালি দিয়ে এবং ওনার সমস্ত বিধায়ক যারা আছেন এলো আমাদের অ্যাসেম্বলিতে, অ্যাসেম্বলির সমস্ত বিধায়কদের জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। উপস্থিত আছেন আমাদের এই রাজ্যের ইনচার্জ মাননীয় মঙ্গল পাণ্ডেজি, মাননীয় অমিত মালব্যজি এবং অন্যান্য নেতৃত্ব, তাদেরকেও জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন। আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন পদাধিকারীগণ, জেলা সভাপতিগণ, আমাদের রাজ্যসভার নতুন সাংসদ, আমাদের শ্রমিকদা, সকল নেতৃত্বকে একবার জোরে হাততালি দিয়ে সকলে মিলে বরণ করে নিন, সবাইকে আশীর্বাদ দিন। বন্ধুগণ, এই ভূমি পবিত্র শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভূমি, যে ভূমিতে কাজী কৃষ্ণ নাম বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম অসহযোগ আন্দোলন করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে এখানে শ্রীকৃষ্ণ নাম বন্ধ করা যাবে না, বন্ধ করা যাবে না, রোখা যাবে না। আজকে এই বাংলায় আবার এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি মনে করেন যে রাম নাম নিলে নাকি অপমান করা হয়, সেই মুখ্যমন্ত্রীকে কি অপমান করার কথা বলে কিনা মুখ্যমন্ত্রী, সেই মুখ্যমন্ত্রীকে আগামী নির্বাচনে উচিত শিক্ষা দিতে হবে, আপনাদেরকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে, আপনারা সেই জন্য প্রস্তুত হন। আজকে ভাবতে অবাক লাগে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখান থেকে একজনকে সাংসদ করেছিলেন, তার নাম আমি বলতে চাই না, যিনি বলেন মা কালী নাকি মদ খায়, আর মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চুপ হয়ে থাকে, লজ্জা লাগে এরকম মুখ্যমন্ত্রীর জন্য। আমি তীব্র ধিক্কার জানাই মুখ্যমন্ত্রীকে যে আপনি একজন সাংসদ এই কথা বলার পর আপনারা চুপ করে যান। কি আপনাদের সাংসদ বলেছিলেন কিনা, বলেছিলেন কিনা উচিত শিক্ষা দিতে হবে কিনা? আজকে ভাবতে অবাক লাগে, তা একজন সাংসদ সামান্য কিছু পয়সার লোভে, লিপস্টিকের লোভে, পাউডারের লোভে, বিদেশি কোম্পানির বিভিন্ন পারফিউমের লোভে, তার যে লগ ইন আইডি, সেই লগ ইন আইডি সাংসদের
অন্য লোককে দিয়ে দেয়, বিদেশ থেকে একজন সাংসদের লগ ইন আইডি থেকে সেখান থেকে মানুষ লগ ইন করে। আজকে এই রকম লোককে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সংসদ, যাকে সাংসদ পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তারপরেও তাকে জেলা সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন, যে ভেবেছেন যে এখানে 40% এক বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোট আছে বলে এই সিট থেকে আবার জিতিয়ে যাবেন। কি আপনারা জেতাবেন এই সাংসদকে? জেতাবেন? জেতানো উচিত? উচিত না। এই তৃণমূল কংগ্রেস এই পবিত্র মাটিকে অপবিত্র করেছে। যে মাটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মাটি, যে মাটি চৈতন্য মহাপ্রভুর মাটি, সেই মাটিতে এখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শোনা যায়, চোর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শোনা যায়। আর এই চোরেদের বিরুদ্ধে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যবস্থা নেন বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেগে যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে বাজে কথা বলেন। আর এই রকম তপস্বী প্রধানমন্ত্রী, ঋষিতুল্য প্রধানমন্ত্রী গোটা ভারতবর্ষের নয়, গোটা পৃথিবীর সব থেকে বড় নেতা, তিনি আমাদের গৌরব, তিনি আমাদের আদর্শ, তাদেরকে আমরা স্মরণ করি। যিনি 140 কোটি মানুষকে ফ্রিতে ভ্যাকসিন দিয়েছে। কি আমরা ভ্যাকসিন পেয়েছি? তো ভ্যাকসিন পেয়েছি, সবাই ফ্রিতে পেয়েছি। আজকে যে তৃণমূল নেতাটা জয় বাংলা করে চিৎকার করে, তারও রক্তের ভেতরে নরেন্দ্র মোদীর দেওয়া ভ্যাকসিন ঘুরে বেড়াচ্ছে, নরেন্দ্র মোদী ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়ন। তাই বন্ধুগণ, আমি আমার বক্তব্যকে বাড়াবো না, কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে মূল বক্তা। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, আগামী নির্বাচনে এইখান থেকে পদ্ম ফুল ফোটাতে নরেন্দ্র মোদী সেই আশা নিয়ে আমাদের মাঝে এসেছেন। কি ফোটাবেন? তো ফোটাবেন, তো কথা দিচ্ছেন? তাহলে দু হাত মুঠ করে আমার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে প্রতিজ্ঞা নিন আর বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। সবাইকে ধীরে ধীরে সেটেল ডাউন করতে দিন, একদম অস্থিরতা তৈরি করবেন না। আমি পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলের নেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারীকে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম। সমবেত রাষ্ট্রবাদী দেশপ্রেমিক গৌর ভক্তবৃন্দ, আপনাদেরকে প্রথমে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী 140 কোটি দেশবাসীর হৃদয়ের মণিকোঠায় যার স্থান, যার মন্ত্র সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস, সেই আমাদের নেতা, আমাদের মার্গদর্শক, আজকের সবার মুখ্য আকর্ষণ, প্রধান বক্তা মাননীয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি, তাকে 100 কোটি প্রণাম এবং বন্দন জানাই। উপবিষ্ট আছেন মাননীয় রাজ্য সভাপতি, লোকপ্রিয় সাংসদ সাথী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, কেন্দ্রে রাষ্ট্রমন্ত্রী মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুর, আমাদের রাজ্যের অবজারভার বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী মাননীয় মঙ্গল পাণ্ডেজি, সহপ্রভারী দয় অমিত মালবিয়াজি, মাননীয় আশা লাকড়াজি এবং এলাকার নদিয়া জেলার রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার সহ রাজ্যসভা নবনির্বাচিত সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্য সহ সম্মানিত মঞ্চ, আমরা সবাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে এসেছি। তাই আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখব না, কয়েক মিনিটেই শেষ করব। আমি প্রথমেই আপনাদের বলব, এই নদিয়া জেলা, এই জেলা 1947-এর 15ই আগস্ট
স্বাধীনতা পায়নি। 17ই আগস্ট এই জেলা একটা বড় অংশ পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারত ভুক্তি হয়েছিল, সেজন্য কৃতজ্ঞতা চিত্তে কৃষ্ণনগরের রানীমা এবং ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জিকে আমি সুরেশ বিশ্বাসকে আমি স্মরণ করব, শ্রদ্ধা জানাব। আমি আপনারা বসুন বসুন আপনারা বসুন, মাননীয় পুলিশের লোকেরা সহযোগী থাকুন, আপনারা সবার শুনতে থাকুন। আমি স্মরণ করব আমাদের রাষ্ট্রবাদী নেতা সত্যব্রত মুখার্জী মহোদয়কে, এবং আপনারা জানেন প্রভু শ্রী চৈতন্য দেবের মাটি। এর আগে ডক্টর সুকান্ত মজুমদার বলেছেন শ্রী চৈতন্য দেবের প্রেম ভালোবাসা হরে কৃষ্ণ মন্ত্র গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এই জায়গা থেকে। আমি আপনাদের কাছে দীর্ঘ বক্তব্য রাখব না, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক জায়গায় যাবেন, বিহারে যাবেন, আমি শুধু বলবো যে আপনারা এবারে কৃষ্ণনগর আমাদের দেবেন তো, মনে আছে মা কালী আমাদের আরাধ্য দেবী মহুয়া মৈত্র কি বলেছিল মনে আছে তো? ভুলে যাননি তো? বদলা হবে তো ইভিএমে? বদলা হবে তো? কৃষ্ণনগরের সাংসদ এখন নেই, প্রাক্তন হয়েছে। কেন হয়েছে জানেন? দেশের লোকসভার পাসওয়ার্ড বাইরে বিক্রি করেছে। বদলা হবে তো? পরিবর্তন হবে তো? ইভিএমে বদলা হবে তো? সন্দেশকারীর হিসাব হবে তো? মা বোনেদের ইজ্জত লুটকারী শাহজাহানদের বদলা ভোটে হবে তো? জো রাম কো লাই হ্যায়, জো রাম কো লাই হ্যায়, হাম উনকো লাইঙ্গি, মোদিজি হবে তো? মোদিজি হবে তো? মোদিজির গ্যারান্টি এইবার আবার একবার মোদিজির গ্যারান্টি এইবার আবার একবার তৃণমূল মানে কি? মমতা চোর ধরো। পরিশেষে শ্রী চৈতন্য দেবকে স্মরণ করে শেষ করব, শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, গৌরাঙ্গ 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 গৌরাঙ্গ, জয় শ্রীরাম। আজকে আমাদের মাঠ ছোট হয়ে গেছে, এত মানুষ আপনারা এসেছেন, কিন্তু সুশৃঙ্খল ভাবে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি তার কথা যদি আমরা শুনতে চাই তাহলে শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, পুলিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন, তারাও মানুষ, তারাও নিরলস পরিশ্রম করে চাইছেন যাতে আপনারা সবাই মিলে সভা শুনতে পান। ডান দিকের ব্যারিকেড খুলে দেওয়া হয়েছে, কেউ কোথাও যাবেন না, শান্ত ভাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন আপনাদের সঙ্গে সামনে বক্তৃতা করবেন একবার সবাই মিলে বলুন জয় শ্রীরাম।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ জয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। এখানে উপস্থিত সবাইকে নমস্কার জানাই। সবসে পহলে তো মানে ভারতীয় জনতা পার্টি কে হামারে সবই টিম কা আভার ব্যক্ত করতা হুম, ক্যোকি বীচ মে সে আপকে বীচ সে নিকল করকে আপকে দর্শন করনে কা মুঝে সৌভাগ্য মিলা। इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां सबसे पहले तो आप सब भाई बहनों की क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैदान बहुत छोटा पड़ गया और उसके कारण आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन मेरी आपको प्रार्थना है, अब मैदान में जरा भी जगह नहीं है, कृपा करके आप आगे आने की कोशिश मत करिए, आप जहां है वहां रुकिए, अब आगे जगह नहीं बची है जी, आप वहीं रुकिए, आप आगे नहीं आ पाएंगे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, पूरा मैदान छोटा पड़ गया, ये आपका प्यार आपके आशीर्वाद के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये धरती भगवान श्री कृष्ण भक्ति के परम प्रचारक चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है। मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नमन करता हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका नगरी बसाई थी, जो समुद्र के अंदर डूब चुकी थी, मुझे भी कुछ दिनों पहले समुद्र की गहराई में जाकर के उस पुरातन श्री कृष्ण की भूमि को नमन करने का सौभाग्य मिला। साथियों, आप सभी ईश्वर तुल्य जनता जनार्दन, हमारी माताओं बहनों बेटियों को भी मेरा प्रणाम। आपका यहां इतनी बड़ी संख्या में आना ये साफ साफ संदेश दे रहा है, एक बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, पश्चिम बंगाल में भी आज मेरा ये दूसरा दिन है। इन दिनों में पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े 22,000 करोड़ रुपये 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट आपको सौंपने का मुझे अवसर मिला है।
ये सारे प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी, बिजली, पेट्रोलियम के इंफ्रास्ट्रक्चर को और पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। इससे यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा, नौजवानों के लिए अधिक से अधिक नौकरियां बनेगी, स्वरोजगार के अवसर भी बनेंगे, क्षेत्र का भी विकास होगा। लेकिन यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अवताचार, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है ताकि उसकी राजनीति चलती रहे, उसका खेल चलता रहे। साथियों, यहां की राज्य सरकार क्या काम कर रही है, इसका उदाहरण पश्चिम बंगाल का पहला एम्स है। मोदी ने पश्चिम बंगाल को पहला एम्स देने की गारंटी दी थी और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। आमार बांग्लार मानोस बुझलेन मोदी गारंटी माने गारंटी पूर्ण होवार गारंटी। नादिया जिले के कल्याणी में बने इस एम्स का कुछ दिन पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने लोकार्पण किया है। लगभग 1000 बेड्स का ये आधुनिक अस्पताल बहुत सारी सुविधाएं लेकर आया है, रोजगार के अवसर लेकर आया है। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को कल्याणी एम्स के बन जाने से उसको दिक्कत है, उसको परेशानी है। वो कह रही है इसकी परमिशन क्यों नहीं ली। पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के तोलाबाजों को, भूमाफिया को लूट की, गुंडागर्दी की खुली परमिशन, लेकिन इतने बड़े अस्पताल को लेकर टीएमसी सरकार पर्यावरण से जुड़ी परमिशन का अड़ंगा लगा रही है। कमीशन ना मिले तो टीएमसी सरकार हर तरह की परमिशन रोक देती है। पहले कमीशन,
फिर परमिशन मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। भाजपा सरकार आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देती है, लेकिन टीएमसी की सरकार गरीबों की इस योजना को भी यहां लागू नहीं होने दे रही है। भाजपा पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सुविधा के लिए नौजवानों के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए यहां स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। देश में जब से मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हुए हैं तब से लेकर 2014 तक पश्चिम बंगाल में सिर्फ 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। बीते 10 वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या 26 यानी लगभग 2 गुनी हो गई है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप नीचे बैठो बेटा। थैंक यू, थैंक यू। साथियों, ये क्षेत्र जूट किसानों, जूट उद्योगों के लिए मशहूर रहा है, लेकिन मुझे मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा। अच्छा बैठो बेटा, बैठो बैठो बेटा, तुम बैठो। ऐसा नहीं करते, शाबाश। लेकिन टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते जूट की खेती और उद्योग दोनों बर्बाद हो गए। भाजपा की केंद्र सरकार ने जूट की खेती और उद्योग दोनों के लिए लगातार बड़े निर्णय किए हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने गेहूं, चावल और चीनी की पैकिंग को, पहले जो बड़े बड़े प्लास्टिक वाले बैग होते वो बंद करा दिए, जूट के बोरों में ही पैक करने का हमने कंपलसरी किया, अनिवार्य कर दिया। इससे यहां की जूट मिलों को हर साल कई हजार करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने लगे। भाजपा सरकार जूट के एमएसपी में लगातार वृद्धि कर रही है। पश्चिम बंगाल के 100 से अधिक ब्लॉक्स में 3 लाख से अधिक किसानों को जूट के सर्टिफाइड बीज दिए गए हैं। जूट किसान हो या फिर फूल की खेती से जुड़े किसान, सभी को पीएम किसान सम्मान निधि का भी बहुत लाभ मिल रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने
उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। साथियों, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, इसके लिए जो भी योजना भारत सरकार लाती है उसको भी टीएमसी सरकार यहां ठीक से लागू नहीं होने देती। पूरे देश में भारत माता की, भारत माता की। नौजवानों, आपका जोश मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन दोस्तों मैं आपके दर्शन करके यहां आया हूं। अब आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आपका प्यार मुझे मंजूर है, मैं इस प्यार को कभी भूलूंगा नहीं, लेकिन दोस्तों आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। ऐसा प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता है जो मुझे हो रहा, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, खास करके नौजवान साथियों को, कृपा करके जगह नहीं है, आगे आने की कोशिश मत करो। दोस्तों बोलिए भारत माता की, मेरी बात मानोगे ना, पक्का मानोगे। इतने अच्छे लोग हैं बंगाल के, मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूं। दोस्तों पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहां लागू नहीं होने दिया। महिला सुरक्षा को सशक्त करने के लिए पूरे देश में महिला हेल्पलाइन स्थापित की गई है, लेकिन टीएमसी सरकार इसे लेकर भी गंभीर नहीं है। बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश में 10 करोड़ मुफ्त उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गरीब परिवार की बहनों को केंद्र सरकार सस्ता सिलेंडर दे रही है। यहां पश्चिम बंगाल में भी इसके लिए 13 लाख एप्लीकेशन आई है, लेकिन इसके लिए हर जिले में जो उज्ज्वला कमेटी बनानी होती है वो तक टीएमसी सरकार नहीं बना रही है। ये चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसे मिले, ये भी टीएमसी के तोलाबाज ही तय करेंगे। गरीब के घर की योजना को भी ये लोग तोलाबाजों के अधीन देना चाहते हैं। हर घर नल योजना में भी ये लोग तोलाबाजों का दखल चाहते हैं। आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन यहां 25 लाख ये मेरे बंगाल के नौजवान, ये आंकड़ा याद रखिए और घर घर जाके बताइए, बताएंगे बताएंगे, घर घर जाके बताएंगे। मनरेगा में 25 लाख
फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए, जो पैदा नहीं हुआ था उसका कार्ड बना दिया, जो पैसा गांव में गरीब मजदूर को मिलना चाहिए था उसको टीएमसी के तोलाबाजों ने लूट लिया। साथियों, टीएमसी की लगातार कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजना पर अपना स्टिकर लगाएं और हर स्कीम को जरा देशवासी भी सुन ले। ये बंगाल की क्या पहचान बन गई है, यहां की टीएमसी ने बंगाल को कैसे बदनाम किया है, टीएमसी में किस प्रकार के कारनामे चल रहे हैं, आपको जानकर के चौंक जाएंगे। ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। स्कीम को स्कैम में बदलने में टीएमसी की मास्टरी है। भाजपा की केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के 6 करोड़ मेरे भाई बहनों को मुफ्त राशन दे रही है। आने वाले 5 वर्ष तक ये योजना चलती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदी गारंटी, एटा मोदी गारंटी। लेकिन इस योजना पर भी टीएमसी के लोग अपना स्टिकर लगाते हैं। ये लोग गरीबों का राशन लूटने से भी पीछे नहीं रह रहे। साथियों, आने वाले 5 वर्षों में भाजपा सरकार पूरे देश में निवेश और नौकरी के अनगिनत नए अवसर बनाने वाली है। ये समय पश्चिम बंगाल के लिए भी अभूतपूर्व बदलाव का है, लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत इसी लोकसभा चुनाव से करनी होगी। करेंगे बांग्लार विकास होवे तभी देशार विकास होवे। इसलिए इस बार 42 की 42 सीटों पर कमल खिलना चाहिए और देश में अब की बार जरूर होगा। एक बार एनडीए सरकार 400 पार। भाइयों बहनों, अब टीएमसी का मतलब ही बदल गया है। टीएमसी का मतलब है तू मैं करप्शन ही करप्शन। साथियों, आप सब मेरा ही काम करेंगे, पक्का करेंगे, सभी नौजवान करेंगे, पक्का वादा करने वाले हैं। देखिए, गांव-गांव में जाना होगा, अगले 100 दिन तक एक एक घर जाएंगे, 100 दिन तक लोगों को मिलते रहेंगे, मिलकर को ये बताएंगे मैं जो कहूंगा वो उनको बताना। मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, कह देंगे मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे,
पक्का पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं फिर एक बार जगह कम पड़ने के कारण आपको जो दिक्कत हुई है, संख्या बहुत बड़ी आई है, आप आगे आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो गया आप लोगों को। इसलिए जो आपको दिक्कत हुई है, मैं आपका सेवक हूं, आपके सेवक के नाते मैं फिर एक बार आपकी क्षमा मांगता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। অসংখ্য ধন্যবাদ। কৃষ্ণনগরের মাটিতে তাকে আমরা পেলাম।